तो दोस्तों एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा उसमें क्लिक कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ। दोस्तों जैसे पता है आपको, काफ़ी दिनों से मैं आपको कुछ स्टॉक्स दे रहा हूँ। जैसे मैं हाल फिलहाल में आपको स्टॉक दिए थे, ऑलमोस्ट वो सब स्टॉक आपको 40-30% रिटर्न दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको खांडवाला सिक्योरिटी लिमिटेड दिया था, मैंने खुद उसको बाय किया था, तो देख लो स्क्रीनशॉट दे रहा 12:75 आ चुका है, ऑलमोस्ट हमें 35% की रिटर्न मिल रही है इसमें। तो मैं अब इसमें वेट करूँगा नेक्स्ट टारगेट के लिए जो मैं 14.5 रुपये का निकल के आता, लेकिन आप प्लीज़ वेट मत करना। अगर आपने लिया तो आप प्रॉफिट बुक कर लो उसमें। और आप अगर कुछ भी मेरे कहने में बाय कर रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी करना, आंखें बंद करके फॉलो तो कभी मत किया करो, राइट। आप जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बतलाता हूँ मैं उसको बाय क्यों कर रहा हूँ, तो उसको समझने का प्रयास करा करो। अगर आप उसको प्रयास करोगे तो डेफिनेटली आप ही मेरी तरह रिसर्च कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम परफेक्ट ऑन इट, जस्ट कहता हूँ कि आई एम जस्ट लर्निंग, ठीक है, लर्निंग कर रहा हूँ, मज़ा आता है, आप ही करो आपको मज़ा आएगा। जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ एजुकेशन पर्पस होता है, मैं नहीं चाहता है कि किसी का पैसा मेरी वजह से बर्बाद हो, राइट। या अगर प्रॉफिट होता थोड़ा बहुत तो बढ़िया है, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी रिसर्च में खुद की ऐड कर लेना। तो देखो दोस्तों मैं एक आज स्टॉक लेके आऊँ, मिक इलेक्ट्रॉनिक, ये स्टॉक करंटली 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसे आपको पता है आने वाला वक्त होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है, ईवी का होने वाला है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप रडार में रख सकते हो। मैंने गूगल किया था तो ये भी स्टॉक एक आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाता है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को देखना, कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक करके आप मोटिवेट कर सकते हो और शेयर भी करना ना भूलना। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ उसके चार्ट की तरफ, वीकली चार्ट खुला हुआ है। तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिखता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जिसको कुछ समझ नहीं आता है उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे क्या चार्ट में दिखता है, आप भी देखो अगर आपको दिखता है। देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे स्टॉक नीचे की तरफ आया, देख सकते हो इसने एक लो मार्क किया, ठीक है, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लोगे तो आप ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो ये एक लो बना, ये लो बना, ये लो बना, मतलब स्टॉक स्टॉक लगातार हायर लो का पैटर्न बना रहा है। उसका लास्ट लो था वो उसने नहीं तोड़ा, देख सकते हो ये जो लो था 35 पैसे का, ये स्टॉक ने लो नहीं तोड़ा और एक नया लो बनाया, एक हायर लो बनाया, वो था 50-60 पैसे के आसपास। ये स्टॉक को मैं करेंटली बहुत दिनों से 60-70 पैसे के आसपास ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस आपको नहीं दिया लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व रेगुलर करने में लगा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे एक अच्छा इसमें सिनेरियो दिख रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग भी और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी, तो तभी आप उसको मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और बाय करके चल सकते हो। लेकिन देखो अब हुआ क्या है, इसने हायर लो का पैटर्न तो बना लिया, बहुत बढ़िया बात है कि स्टॉक हायर लो का पैटर्न बना रहा है। तो लेकिन अब आप थोड़ा प्राइस इसका ऊपर का जो हाईज है वो भी देखो कैसे इसने फिर काम किया है। अगर हाई देखने का प्रयास करोगे तो देखो इसने जो ये हाईज थे, ये हाईज देखो इस कैंडल ने ये तोड़ दिया, इसका मतलब तोड़ दिया तो मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस निकल के आता है आपका क्या आता है 1.05 रुपये के आसपास। तो 1.05 रुपये का जो रजिस्टेंस है वीक पड़ चुका है, एक यहाँ पर से एक बार टेस्ट किया तो इसने लगातार 3 बार रजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है। तो मुझे प्राइस एक्शन ये बता रहा है कि ये जो रजिस्टेंस है 1.04 रुपये के आसपास या 5 रुपये के आसपास, डेफिनेटली इस बार ये इसको ब्रेक कर सकता है, उसके ऊपर सस्टेन कर सकता है, ठीक है। अगर ये 1.05 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर आपको 1.40 रुपये के टारगेट भी दिखा सकता है, और जो फर्दर टारगेट होंगे फिर वो 2 रुपये के टारगेट भी इसमें निकल के आते हैं, मतलब आपको यहाँ से 50-60% रिटर्न ये दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना पड़ेगा ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको बाय कैसे करना है वो भी एक बार समझ लेना, क्योंकि जिस प्राइस में बाय करना है वो 85 पैसे नहीं है, ठीक है, उसका प्राइस अलग होगा, वो अभी आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। तो भाई इसमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो उसका चार्ट पैटर्न बन रहा है उसमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये स्टॉक डेफिनेटली ब्रेकआउट दे सकता है, आप इसको अपने रडार में रखो, डेफिनेटली इसको रडार में रखो आप, ठीक है। ये स्टॉक आपका एक आपको अच्छी रिटर्न दिखा सकता है, यहाँ पर देख सकते हो ये बेस बना था, ये बेस आपका बनता था 50-60 पैसे के आसपास, तो ये एक सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है और डेफिनेटली मुझे लगता है ये यहाँ इस यहाँ तक तो जा सकता है 1.40 रुपये के आसपास, ठीक है। मैं आपको उसका मंथली चार्ट दिखा देता हूँ,
उसमें आपको आसानी होगी। देख सकते हैं मंथली चार्ट अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉक फर्स्ट टाइम ये अपना लो से काफ़ी ऊपर तक गया। अगर आप देखोगे लास्ट ये 2012 से लेके 2016 तक ये स्टॉक 2 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, और इसने जो हाई लगाया था 25 रुपये के आसपास हाई लगाया था फिर बाद में, मतलब आपको वहाँ से भी इसने एक अच्छी खासी रिटर्न दी थी। ठीक है, अगर आप एक इसमें पैटर्न ढूंढते हो, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, आप फॉलोइंग इसको वेज पैटर्न बोल सकते हो, देख सकते हो। ये अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना चाहोगे, आप बोल सकते हो इसने एक हाई ये मार्क लगाया, उसके बाद नीचे गया, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया, ठीक है, और दोबारा अब नीचे आ रहा था, ये लो बोल सकते हो L1, ठीक है, फिर ये नीचे आया और इसने L2 बनाया, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसने जितना टाइम फ्रेम यहाँ टाइम बिताया था, ठीक है, ये टाइम पीरियड अब ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म, देख सकते हो ये इतने टाइम बिता चुका है इतना, ये L2 है हमारा, ठीक है। अब डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा और एक H3 बना सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर ये H3 बनाएगा तो यहाँ से एटलीस्ट ये देख सकते हो ये 5-6 रुपये तो जा सकता है, क्योंकि देखो जब ये ऊपर से गिरा था, यहाँ से जब ये गिरा था ऑलमोस्ट 2 रुपये आया था, 2 रुपये से 25 रुपये गया, अब 25 रुपये से ये आया 40 पैसे, तो 40 पैसे से कम ये 5 रुपये या 3 रुपये 4 रुपये जा सकता है, मतलब यहाँ से भी आपको 300-400% के रिटर्न दे सकता है ये चार्ट के अकॉर्डिंग। ये मंथली चार्ट मैंने खोला उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 300-400% के रिटर्न में रुको, मैं कह रहा हूँ अगर आपको वहाँ रुकना है तो आप ये डेफिनेटली एक आपका एक हाई तो बना सकता है जो निकल के आता है 3-4 रुपये के आसपास, ठीक है। और अगर इसने इस ब्रेकआउट, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, अगर इसने इसके ऊपर एक क्लोज कर देता है तो 3-4 रुपये के आसपास ही आता है, अगर इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो भाई ये स्टॉक रॉकेट हो सकता है, ठीक है। ये तो होगी टेक्निकल बातें कि रॉकेट हो सकता है, लेकिन अब देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कि भाई ये सच में रॉकेट होगा भी नहीं होगा, कंपनी में दम है, प्रॉफिट आ रहे कंपनी के, वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लो एक अच्छी स्टोरी बन सकती है इसमें, ठीक है। अगर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम रहता है मार्केट में, निफ्टी में अगर मार्केट में 14-15 हज़ार जा सकती है जिसके आसार दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी एक रॉकेट बन सकता है जो आराम से आपको 1.5-2 रुपये तो दिखा सकता है। तो मैं भाई बोलूँगा इसको अगर आपको बाय करके चलना है तो मैं आपको क्लियर मेंशन कर देता हूँ, इसको आपको बाय करना है 90 पैसे से पहले बाय नहीं करना है, जब तक ये स्टॉक 90 पैसे आपको नहीं दिखाता है, ठीक है, 85 पैसे अभी चल रहा है करंट रेट, इसमें बाय नहीं करना, आपको 90 पैसे के आसपास बाय करना है, ठीक है। 90 पैसे में स्टॉक को बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, 60 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 30 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आप देख लो, डबल आप टारगेट लगाओ उसमें, तो ये अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न दिखा सकता है फ्यूचर में, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसके फंडामेंटल की तरफ, और दो कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, 21 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, करंट पर 85 पैसे चल रहा है, लेकिन आपको उसको बाय करना है 90 पैसे के आसपास, ठीक है, और लो हाई चेक कर सकते हो, अभी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट मैंने खोल रखे आपके दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है और ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है, जून क्वार्टर में इसको 2 करोड़ के आसपास का लॉस था और अभी 3.5 करोड़ के आसपास का लॉस है, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, तभी आपका प्राइस अभी 85 पैसे के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपको लेना है नहीं लेना है, बाकी चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली के बेसिस में, तो ईयरली बेसिस में देख लो एक बार, देखो ईयरली बेसिस में स्टॉक इसमें इस बार इसको लास्ट ईयर इसको 27 करोड़ का लॉस हुआ था और इस करोड़ इसको 24 करोड़ का लॉस हुआ है, उससे पहले 132 करोड़ का लॉस था, मतलब हमने लॉस थोड़ा मिनिमाइज कर रहा है, एक्सपेंसेस में कंट्रोल कर रहा है, इसी वजह से इसका जो उसका लॉस है थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो आप रडार में देख सकते हो, मतलब कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको कम कर रही है, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब इसमें मात्र 7% इसकी होल्डिंग है प्रमोटर्स की, ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 7% है, तो आपको अगर फिगर अच्छा लगता है तो आप बाय करके चल सकते हो, मुझे ये फिगर सूट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर फिर आप उसको स्टॉक को दे क्यों रहे हो, मैं स्टॉक को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक टेक्निकल के हिसाब से, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अगर आप स्टॉक को बाय करके चलना है तो आप दोनों पहलू को देखो, उसका टेक्निकल साथ है फंडामेंटल, अगर कंपनी के थोड़े भी फंडामेंटल चेंज होते हैं तो भाई फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इसको बाय करने का, क्योंकि भाई अगर फंडामेंटल इसके जब चेंज होंगे खुद ही तो प्रमोटर्स की आपको मौका देंगे बाय करने का, नहीं देंगे, इसलिए भाई आप उसको पहले ही बाय करके चलो, अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो, ठीक है। मैंने अगर वो 90 पैसे बोला बाय तो आप 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, आप बोलोगे सर 60 पैसे का स्टॉप लॉस मैं लगा लूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिलेगा निकलने का, भाई मौका मिलता है निकलने का,
आप लोग हम लोग यही गलती करते कि हम जिस प्राइस में बोला गया उसमें कट नहीं करते, हम वेट करते कि हाँ ये सारी यूटर्न लेगा, और यही जो गलती हम करते हैं वह मरते हैं। ठीक है, जो स्टॉप लॉस आपका बोला उसमें स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट बुक करो। अगर मैंने बोला है कि आपको एक रुपये चालीस पैसे में प्रॉफिट बुक करना है तो करो प्रॉफिट बुक वहाँ पर, ये एक रुपये चालीस पैसे भी जाएगा, डेफिनेटली जाएगा वहाँ पर, प्रॉफिट बुक करना बनता है बनता है। अगर आप वहाँ नहीं करोगे, सोचोगे यार मैं तीन रुपये प्रॉफिट बुक करूँगा, तो गलती करते हो आप। जिस प्राइस में बोला प्रॉफिट बुक करने के लिए वहाँ करा करो, अगर नहीं करोगे तो मरोगे फंसोगे। प्रॉफिट बुक करके कल्टी हो जाना प्रमोटर की तरह, वेट मत करना चार रुपये पाँच रुपये होने का, कल्टी, ठीक, कल्टी हो जाना प्रॉफिट बुक करके, प्रॉफिट अपने जेब में डालना और बस एग्जिट। तो भाई मेरे हिसाब से स्टॉक आप बाय करके चल सकते हो, 90 पैसे में आप इसको बाय करो और डेफिनेटली आपको अच्छी रिटर्न दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 60 पैसे के आसपास, 30 पैसे का स्टॉप लॉस है। अब आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, 500 करनी है, आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत लगाना, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, पीस आउट। With the